सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन को लेकर बुरी तरह से फंसी है टीम इंडिया। पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में इन दोनों में से किसे मिलेगा मौका, बताएंगे आज के इस खास वीडियो में आगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारी अगले आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दो वार्म अप मैचों में धमाकेदार जीत के बाद भारतीय क्रिकेट टीम आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 में पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले को तैयार है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभ्यास मैच में उन सभी 15 खिलाड़ियों को आजमाया गया जो वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा हैं। 24 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ ब्लॉकबस्टर मुकाबले में उतरने से पहले प्रैक्टिस मैचों में जीत टीम इंडिया के लिए टॉनिक का काम करेगी। जीत से खिलाड़ियों के हौसले बुलंद हैं। इन सबके बावजूद भारत के लिए प्लेइंग 11 को चुनना सबसे बड़ा सिद्धत है। भारतीय टीम मैनेजमेंट सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन में से किसे प्लेइंग 11 में मौका देगी, इसको लेकर माथापच्ची हो रही है। भारतीय टीम के टॉप 3 बल्लेबाजों की जगह तो पक्की है, यानी ओपनिंग के लिए तो केएल राहुल और रोहित शर्मा ही उतरेंगे। वहीं नंबर 3 पर कप्तान विराट कोहली आएंगे। नंबर 4 पर किसे उतारा जाएगा यह अब भी पहेली बनी हुई है। सूर्य कुमार यादव नंबर 4 के लिए बेहतरीन कैंडिडेट है, लेकिन आईपीएल 2021 के दूसरे हाफ में उनका बल्ला खामोश रहा था। मुंबई इंडियंस की ओर से खेलते हुए सूर्य कुमार यादव ने कुछ खास कमाल नहीं दिखाया है। हालांकि प्रैक्टिस मैच में भी उनका बल्ला कुछ खास नहीं चला था। हालांकि युवा विकेटकीपर ईशान किशन ने मुंबई की ओर से खेलते हुए आखिरी के कुछ मुकाबलों में बेहतरीन पारी खेल जरूर फॉर्म में लौटने के संकेत दिए हैं। वहीं अगर बात करें वार्म अप मुकाबलों की तो वार्म अप मैच में भी उन्होंने पहले ही मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ शानदार पारी खेलकर 70 रन बनाए थे और भारतीय टीम में अपनी जगह को लेकर दावेदारी भी पेश कर दी है। विराट कोहली के लिए इन दो बल्लेबाजों में से किसे एक को चुना जाए ये मुश्किल चुनौती सामने है। यहाँ तक कि अगर बैकअप ओपनर के तौर पर देखा जाए तो ईशान ने लगातार 3 हाफ सेंचुरी जड़ी है। वह नंबर 4 की रेस में सूर्य कुमार यादव से आगे दिखाई दे रहे हैं। सूर्य कुमार यादव का हालिया फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है, ऐसे में टीम मैनेजमेंट उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ टीम में मौका देकर अपनी बैटिंग लाइनअप को कमजोर नहीं करना चाहेगी। टीम मैनेजमेंट उनकी जगह फॉर्म में चल रहे ईशान किशन को मौका दे सकती है। तो दोस्तों इस पर आप भी अपनी राय जरूर दें कि भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में ईशान किशन या सूर्य कुमार यादव कौन से खिलाड़ी को टीम में मौका मिलना चाहिए। साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।